अब गाजियाबाद मामले की बात करेंगे। कहां है उमेद पहलवान, ये सवाल बना हुआ है। गाजियाबाद पुलिस को अब तक परेशान ये सवाल कर रहा है क्योंकि उमेद पर आपसी रंजिश के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप है। इस केस में 9 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ देख रहे हैं जिस शख्स को आप लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ देख रहे हैं। इस शख्स की है गाजियाबाद पुलिस को तलाश। नाम उम्मेद पहलवान, समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता। आरोप, गाजियाबाद की आपसी विवाद की घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। उम्मेद पहलवान कहां छिपा है इसके बारे में तो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें और वीडियो देख लीजिए। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ कल उम्मेद की पुरानी तस्वीर वायरल हुई थी, लेकिन आज उसकी नई तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ नजर आ रहा है। अब इस वीडियो को देखिए, ये कुछ साल पुराना वीडियो है जिसमें नंद किशोर गुर्जर के साथ नजर आ रहा है उम्मेद। दोनों के गले में गेंदे का फूल है। ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो किसी जुलूस का है। इन तस्वीरों से साफ है कि लोनी में स्थानीय स्तर पर उम्मीद का अच्छा खासा रसूख था, लेकिन अब यही रसूखदार शख्स गाजियाबाद के ताबीज कांड का अहम आरोपी है और फरार है। वो अलग दल का, हम अलग दल के, वो चुनाव में तो आपके साथ नजर आ रहा है। चुनाव नहीं है वो चुनाव से पहली बात है। वो कोई कौमी एकता, आपने देखा होगा बैनर, कोई मंच है, उसमें जिन्होंने शपथ ली कि हम गोरक्षा का काम करेंगे उन लोगों को वहां सम्मानित किया गया। उसमें उम्मीद भी हो सकता है, कोई सूफी भी है, कोई मुजफ्फरनगर से भी लोग आए थे, तो हिंदू और मुस्लिम सभी लोग मिलजुल के थे, तो उसमें कौन सी नई बात आ गई। अब वो लोग तमाम लोग आते हैं, सुबह शाम तक डेली हजारों लोग आते हैं। अब मैं सुबह सुबह भी 3 मीटिंग करके आ रहा हूँ 8 बजे से, अब वहाँ कौन आके फोटो खिंचवाएगा? क्या राजनीतिक जीवन में ये कह सकते हो भागो यहाँ से? पुलिस और मीडिया की पहुँच से दूर होने से पहले उम्मेद ने कल आज तक से बातचीत की थी। देखिए कल उसने क्या कहा था। उसने पूरे मामले में बीजेपी विधायक को ही घसीट लिया। देखिए मैं कहीं छुपा हुआ नहीं हूँ मैडम, मैं अपनी जमानत की जो फर्जी मुकदमा मुझ पे लगाया गया है, जो लोनी के विधायक है बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने हमेशा फसाद की बात की, मैडम मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ। मुझे कप्तान साहब बुलाए अपने ऑफिस में, SPRA बुलाए अपने ऑफिस में, मैं ऑफिस में आने को तैयार हूँ। पर मैं जिन भ्रष्टाचार पुलिस वालों ने थाने में गलत तरीके से तहरीर को बदला, गलत तरीके से मामले को उलझाया, वो पुलिस वाले भी कप्तान साहब अपने ऑफिस बुलाए और मैं भी आता हूँ। आज कप्तान साहब फोन करे, अभी आता हूँ। ये उम्मीद के बदले हुए सुर हैं। इससे पहले उसने क्या कहा था, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। जब मैं 6 तारीख को वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ 10-20 लोग बैठे हैं। जब इन्होंने मुझे बताया, मेरे साथ तरह तरह की बदतमीजी हुई, इनकी कमर दिखाई गई और जो जो चचा ने बोला वो इनके साथ हुआ। पुलिस के मुताबिक उम्मीद ही नहीं, इस पिटाई में शामिल तमाम लोग घटना की पूरी सच्चाई जानते थे, इसके बावजूद उन्होंने पुलिस में झूठा मुकदमा दर्ज कराया। एक स्थानीय नेता है, इन्होंने ही शुरुआत करी इस चीज को अलग रंग देते हुए, जबकि ये भी जान रहे थे कि मारपीट किसने करी है, तो इन्होंने भी तो शुरू में नाम नहीं बताया, इन्होंने भी उस वीडियो में कुछ और बातें कही। जबकि जो जिन शख्स की पिटाई हुई उन वो भी, और जो ये जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, ये दोनों लोग जान रहे थे कि घटना किसने करी, किसने मारपीट करी, तब भी जो है सही बातें नहीं बताई। लोनी गाजियाबाद वायरल वीडियो कांड में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम है हिमांशु, अनस, शावेज और बाबू। इस तरह अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक 5 जून की वारदात में ये सभी शामिल थे। अब तलाश उम्मेद पहलवान की हो रही है।
लगातार हमारी टीम्स हैं, कई जगहों पर दबिश हम लोग दे रहे हैं और कल रात में भी, परसों रात को भी कई जगह दबिश दी गई थी, कल दिन में भी लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी। तो बहुत ही जल्दी उम्मेद पहलवान को हम लोग ट्रेस करके अरेस्ट कर लेंगे। उसकी आखिरी लोकेशन नोएडा में मिली थी। गाजियाबाद पुलिस की टीम नोएडा में उम्मेद के पीछे लगी है। उम्मेद की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली में तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद आज तक।